मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस कर्मियों का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें रिश्वत के पैसे बांटने को लेकर मारपीट कर ली है। ये दोनों पुलिस वाले की इस कारनामे की वीडियो सामने आने के बाद खाकी एक बार फिर शर्मसार हो गई है। दरअसल ये पुलिस कर्मी रिश्वत के पैसे आपस में बांट रहे थे और पैसा बांटने को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पुलिस वाले आपस में ही लाठी से एक दूसरे को पीटने लगे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने दोनों को अलग कर मामले को शांत कराया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। किस तरह से रिश्वत के पैसे बांटने को लेकर ये दोनों पुलिसकर्मी आपस में डंडे से एक दूसरे को मारने पीटने लगे, ये वीडियो देखें। वहीं इस पूरी घटना पर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया है कि ये घटना रविवार की है और ये दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले की जांच जारी है। आशुतोष मिश्रा ने यह भी बताया है कि ये दोनों पुलिस वाले रिश्वत के पैसे बांटने को लेकर आपस में ही लाठी से मारपीट कर ली थी। अब इस मामले की जांच की जा रही है जिसमें पूरी सच्चाई सामने आएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।